क्या हाल है सभी के। मेरा एक ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है और उसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। मतलब एक ही मतलब निकाला जा रहा है जो कि बिल्कुल बहुत ज्यादा बेवकूफाना और दिमाग में पड़ी हुई जहालत का संदेश देता है। मैंने एक ट्वीट किया कि जो हमारे देश के नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो घर पर बैठकर रामायण देखने और दिखाने की सलाह दे रहे हैं। ना सिर्फ ये, वो ये भी कह रहे हैं कि भाई अपना अपना फोटो लेके, सेल्फी लेके रामायण के साथ आप जरा इसे पोस्ट कीजिए। साथ ही हम न्यूज़ में और सोशल मीडिया में ये भी देख रहे हैं कि इतने सारे माइग्रेटिंग मजदूर हैं जो अलग अलग शहरों से, अलग अलग गांवों से आते हैं, बिग सिटीज़ में आते हैं काम करने के लिए, घर बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए। वो इस लॉकडाउन के चलते ना सिर्फ भूखे हैं बल्कि पैदल न जाने कितने 100 किलोमीटर्स का सफ़र तय करते हुए वो अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हम सबको या हमारे नेताओं को ये नहीं चाहिए कि हम उनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें और एक लॉकडाउन अनाउंस करने से पहले या उसके तुरंत बाद नेताओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि लॉकडाउन के चलते नागरिकों के ऊपर कोई तकलीफ ना आए, एटलीस्ट भुखमरी ना हो जाए और लोग अपने अपने घर पहुंच जाएं। ये नेताओं का काम होता है ना, यही याद दिलाने के लिए कि भाई नेताओं का काम इस वक्त थोड़ी प्लानिंग करना है, लोगों के काम आना है, ना कि घर पर बैठकर क्या देखें और क्या दिखाएं। वो बातें कहने के लिए तो एक्टर्स हैं ही, टिकटॉक सेलिब्रिटीज भी हैं। इनफैक्ट आजकल तो हर कोई सेलिब्रिटी है। कोई भी अब मतलब एक पूजा, क्या कहेंगे उसको, ढिंचैक पूजा, ये बात तो वो भी कह सकती हैं और पूरी दुनिया उनकी बात ध्यान से सुनेगी कि भाई टीवी पे क्या कंटेंट देखें और कौन सी धार्मिक चीजें देखें। सिर्फ रामायण ही नहीं, बहुत सारी ऐसी धार्मिक पुस्तकें भी हैं जो सबको पढ़नी चाहिए। लेकिन नेताओं से ये उम्मीद की जाती है कि इस देश में जहाँ ऑलरेडी रिलीजन को लेकर एक बवाल बहुत टाइम से चल ही रहा है, आप लोग जरा इस वक्त लोगों के काम आए। जिस तरह हमने ममता दीदी के वीडियोस देखे कि वो मास्क लगाकर खड़े होकर निशान बनवा रही हैं, लोगों के साथ खड़े होकर काम करवा रही हैं, उनको देख के बड़ा अच्छा लगा कि वाओ व्हाट अ हीरो, है ना। तो इसलिए ये बात मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने कहा कि भाई, क्योंकि कुछ वक्त पहले कुछ ऐसे वीडियोस और न्यूज़ भी आई थी कि भाई असेंबली में बैठकर या काम की जगह पर बैठकर, संसद में या जहां भी, कुछ नेता बैठकर फोन पर चलचित्र यानी कि पोर्न देख रहे थे। तो मैंने ये ट्वीट किया कि भाई क्या कहते हैं, खुद तो अश्लील चलचित्र देख रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि भाई रामायण देखें। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये कौन से बेवकूफ, कौन से सर्वबुद्धिमानी लोग हैं जिनको इसमें रामायण की बेइज्जती होती हुई लग गई। हाँ, मैं तो आपसे ये नहीं कह रही हूं कि महादेव का फोटो लगा के आप जो माँ बहन की गालियां दे रहे हैं तो मेरे महादेव का अपमान हो रहा है या आप महादेव की इमेज बिगाड़ रहे हैं, मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। वाह वाह, जिस तरह की कमाल की शब्दावली मैं आप लोगों की, वॉकिंग होम फ्रॉम डिलीवरी फॉर ओवर 200 किलोमीटर्स, डिलीवरी एजेंट डाइज ऑन हाईवे, ये एक न्यूज़ पढ़ रही हूँ मैं और ये न्यूज़ पढ़ के मेरा खून खौलता है और तब इस प्रकार के ट्वीट्स मैं करती हूँ, क्योंकि हमारे देश के नेता कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई हु आर यू, आपने क्या किया, आपने कितनी चैरिटी की, तो भाई हम कितने घर चला रहे हैं या हम आपके इस रिसेशन की वजह से कितनी तकलीफ में है या उसके बावजूद हम कितने लोगों की मदद करते हैं, ये हम आपको बताते हैं या क्या फायदा है ये बता के। ये आपका काम है कि आप लोगों के काम आए, ये आपका काम है कि आप ये देखें कि श्री राम की फोटो लगा के या महादेव की फोटो लगा के लोग जो कमाल कमाल की भाषा का इस्तेमाल करके लड़कियों से बात कर रहे हैं और उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नेताओं के खिलाफ कुछ मत कहना भाई, अब मजदूर उनका जैसा भी है तो होता रहे, लेकिन आप कुछ ना कहें। तो यही मैं बताना चाहती थी कि ऑफकोर्स जहालत बहुत ज्यादा है इस देश में, लोगों को समझ नहीं आता किसी बात का मतलब और गंदगी पे उतर आते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आइए, अगर इतनी तो एक निकल के बाहर एक एक कंप्लेंट करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं,
मैं भी उन सारे आईडीज जो श्री राम और शिव जी और विष्णु जी और ब्रह्मा जी की फोटो लगा के गंदी गंदी गालियां और गंदी गंदी बातें कि जी हमें भी देखना है, पौन अपना तो बनवाइए, आइए मैं उनको भी अरेस्ट करवाती हूँ। आइए इस देश से ना जो लोग रिलीजन का नाम लेके रिलीजन को हथियार बना के अपना उल्लू सीधा करते हैं, या उन लोगों की आवाज खामोश करने की कोशिश करते हैं जो दूसरों के लिए बोल रहे हैं, आइए चलिए सभी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उखाड़ के फेंकते हैं इस ढोंगीपने को इस देश से, जहां पर लोग सिर्फ प्रभु से प्रेम करने का ढोंग करते हैं। असल में ना तो वो प्रेम करते हैं, ना डरते हैं, ना उनके मन में कोई भी कंपैशन है, सिर्फ है तो नफरत और सिर्फ है तो अपना उल्लू सीधा करना। तो यहां अपना उल्लू सीधा मत करना, क्योंकि मैं किसी से नहीं डरती, क्योंकि मेरे साथ महादेव, हर हर महादेव। और हाँ, आप लोगों को लगता था हिंदू मुस्लिम को लेके इस देश में झगड़ा होगा, देख लीजिए ये तो ऐसे हैं कि ये तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये सबसे लड़ेंगे और लड़ लड़ के इस देश को तोड़ देंगे। यूज योर माइंड।